सड़क सुरक्षा अभियान का 18 जनवरी से होगा शुभारंभ। दुर्घटनाएं रोकने वर्चुअल मैराथन समेत कई कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का होगा आयोजन। दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति वाहन चालकों और नागरिकों को जागरूक करने 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान 2021 की शुरुआत हो रही है। नवम्बई पुलिस आरटीओ और सामाजिक संस्थाओं की मदद से 30 दिनों तक चलने वाले यह अभियान कोरोना के कारण थोड़ा अलग होगा। डीसीपी ट्रैफिक पुरुषोत्तम कराड़ ने कहा कि इस दौरान जागरूकता बैनर, पत्रक और कार्यक्रमों के साथ ही वर्चुअल मैराथन स्पर्धा, स्कूलों में पोपर शो, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं समेत कई कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिनके जरिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने, दुर्घटनाओं को 10% तक कम करने का लक्ष्य है। आइए सुनाते हैं डीसीपी ने और क्या कुछ कहा। हर साल की तरह इस साल भी रास्ता सुरक्षा अभियान मनाया जा रहा है। इस साल 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये अभियान रहेगा। इसमें अलग अलग प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसमें जन जागृति हो जाए पब्लिक में और उसका रोड एक्सीडेंट कम होने में इम्पैक्ट आ जाए, ये हमारा बेसिक मकसद रहेगा। तो इसके लिए हम पोस्टर्स, बैनर्स ये लगाने के साथ साथ एक नया प्रोग्राम इसमें कर रहे हैं, वन डे विथ पुलिस, जिसमें एक दिन पुलिस के साथ, तो उसमें 2 घंटे कोई भी जनता के प्रतिनिधि, जनता के लोग वहाँ आके, हमने 31 प्लेसेस आइडेंटिफाई किया चौक में, वो आके हमारे साथ ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं, जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई में सहभाग कर सकते हैं, उनमें जन जागृति ला सकते हैं, और जिन्होंने नियमों का पालन किया, सीट बेल्ट पहना है, जैसे हेलमेट पहना है, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक गए, सिग्नल जंप नहीं कर रहे, तो उनको हम वहाँ उनका अभिनंदन भी करेंगे पब्लिक के हाथ से। इसमें हमारा ये है कि पुलिस हमेशा कार्रवाई करते है, ट्रैफिक रेगुलेट करते है, लेकिन पब्लिक ने इसमें इन्वॉल्वमेंट किया तो बाकी ड्राइवर जो पब्लिक है वो भी इससे कुछ समझ लेंगे और वो भी इसमें अपना योगदान खुद के ऊपर कंट्रोल रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करेगी, हमारा इसमें मकसद है। इसके साथ साथ हम ऑल रिलीजियस प्लेसेस पे उनके साथ, कमेटी के साथ डिस्कस भी किया, सब लोगों ने इसमें उनकी सहमति दर्शाई कि मंदिर प्लेसेस, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पोस्टर लगा देंगे, वहाँ से जन जागृति करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और उनमें, उनके मन में ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में ये संदेश परमानेंट रहे, ये हमारा प्लान है, वो एक हम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस का ना होते हुए ये पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे लिए और मेरा कार्यक्रम है, तो ये सब मिलके हम इसके साथ में काम करें, वो हमारा मकसद है। और एनफोर्समेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनफोर्समेंट जो भी गलती करेंगे, जो भी नियम भंग करेंगे, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो ये हमारा ये ओवरऑल ये इम्पैक्ट रहेगा। और इसका हम ये प्लान करेंगे कि इसको 1 महीना का प्रोग्राम ये बाद में हर व्यक्ति के दिमाग में 1 साल तक चले और आगे लाइफ टाइम चले, ये हमारी कोशिश रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।